मुजफ्फरनगर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल आपराधिक घटनाओं को बढ़ता देख एसएसपी अभिषेक यादव ने संघन चेकिंग अभियान के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पारासौली नहर की पटरी पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बाइक सवार दो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग के में बाइक सवार दो बदमाश घायल हो गए। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों और पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पकड़े गए बदमाश 10-10 हजार रुपए के इनामी बदमाश हैं। आज परासौली चौकी बुढ़ाना पे दुबई वाहन की चेकिंग हो रही थी, तो एक वैगनार बिन नंबर की गाड़ी जा रही थी, तो पुलिस पार्टी ने उसको हाथ दिया। जैसे हाथ दिया कि बदमाश, उसमें तीन बदमाश थे, उन्होंने स्पीड तेज की और भागने लगे। पुलिस को संदेह हुआ, पुलिस ने भी पीछे उस पार्टी का गाड़ी का पीछा किया। जब बदमाश गिरने लगे थे, बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर करना शुरू कर दिया और भागते भागते जोधार पट्टी तक भागने लगे, तो पुलिस ने भी जब फायर की और उसमें दो बदमाशों को गोली लगी और तीसरा बदमाश भाग गया वहाँ से।